हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, आपका स्वागत है तरुण सैनी लेक्चर्स में। आज हम एक स्पेशल पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं कि जो आपके नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होगा, जिसको नॉर्सेट 21 हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं, वो नॉर्सेट 21 की एक्सपेक्टेड डेट जो एम्स ने खुद के एकेडमिक कैलेंडर के अंदर बताई है, वो है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर से 19 सितंबर तक आपके एग्जाम उसके अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब से देखा जाए तो ओनली 5 मंथ्स आर रिमेनिंग इन नॉर्सेट 21। तो देखिए, यदि आप में से जिनको भी नर्सिंग ऑफिसर बनना है उनके पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है बार बार प्लानिंग करने के, बार बार सोचने के कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए मैं आपकी एक प्लानिंग के अंदर छोटी सी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आपको ये चीज अच्छी लगे और अच्छी ना भी लगे, जो भी है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। बट यदि आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो ये 5 महीने की प्लानिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लेके चलनी होगी। अब इसके लिए करना क्या है, कहां से शुरू करें, क्या बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कब गाइड पढ़ें और कब नोट्स पढ़ें, कौन सी गाइड पढ़ें, इन सब चीजों के लिए हमने आपको एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। देखिए एक चीज और कि कैसे पढ़ें, या मैं पूरे दिन में कब उठूं कब पढ़ूं, ये तो देखिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्लान पे डिपेंड करता है। बट क्या आपको कौन कौन सा कंटेंट आपको इन 6 मंथ्स में तैयार करना है उसके रिगार्डिंग बात की जा सकती है। तो बात करते हैं कि कहां से शुरू करें। तो देखिए पहली बात जब शुरू करने की आती है तो हम शुरू करते हैं कि एक फिक्स प्लान, एक फिक्स टारगेट के लिए बनाएंगे। टारगेट क्या है कि मेरे को जो एम्स का एग्जाम होगा नॉर्सेट 21 उसके अंदर सिलेक्शन लेना है। समझ रहे हो, सिलेक्शन हो जाए ऐसा नहीं, सिलेक्शन लेना ही है उसके अंदर। चाहे कितनी भी पोस्ट के लिए आओ, किसी भी रिजर्वेशन का सिस्टम लगे, बट मेरे को उसके अंदर सिलेक्शन लेना है। पहली चीज यहां से शुरू। तो आपको आज से ही ये दृढ़ निश्चय करना है यदि आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो, कि एम्स के अंदर मेरे को सिलेक्शन लेना है। अब देखिए आपको डेली इसके लिए बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से डे की शुरुआत करनी पड़ेगी, और डे में क्या क्या पढ़ना है, कब गाइड पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग हम और वीडियोस रिलीज कर रहे हैं। ये टोटल प्लानिंग आपके एम्स की 10 पार्ट्स में रिलीज करेंगे हम वीडियो को। आज ये फर्स्ट पार्ट है नर्सिंग ऑफिसर बनने का। तो बात करें कि आज छोटी सी जो स्टार्टिंग है, जो आगे बड़ा रिजल्ट देगी, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि मॉर्निंग में उठना शुरू कीजिए और अपने आप से कमिटेड हो जाइए, कमिटमेंट कीजिए अपने आप से कि मेरे को उठना ही है। 5 से 5:30 बजे के बीच में आप उठ के देखिए एक बार, और हो सके तो मोबाइल के अलार्म को, जो मोबाइल के अंदर अलार्म लगाओ, उसको थोड़ा दूर रखिए, जो आपका ब्रेन कम से कम 30 सेकंड से ज्यादा ले उस अलार्म को बंद करने के लिए। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रेन पूरी तरीके से रेस्टिंग कंडीशन में जा चुका होता है। जब आप उठते हो उससे, अलार्म से उठते हो, तो थोड़ा सा सेल्स को दिक्कत होती है और वो आपकी फीलिंग उनके ऊपर हावी हो जाती है जो आपने टारगेट बनाया उसके ऊपर कि यार थोड़ी देर और सो लेते हैं। देखिए नर्सिंग ऑफिसर बनना काफी बड़ी बात है, बट सुबह आपने जो अलार्म सेट किया है 5:30 बजे का या 5 बजे का, उसमें उठने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहीं से शुरू कीजिए, अपने आप को कमिटेड हो जाइए, पूरी तरीके से कमिटमेंट कर लीजिए कि मेरे को अब ये टालम टोल वाला रवैया नहीं अपनाना है, मेरे को मेरे दिन की शुरुआत सुबह से ही करना है। तो शुरू कीजिए,
अलार्म को बिना स्नूज किए हुए, ठीक है, आपको यदि 6 बजे उठना है तो 5:30 का अलार्म ना लगाएं, 6 बजे का ही लगाएं, थोड़ा दूर रखें, उठिए, उठ के मुंह धोइए, ठीक, थोड़ा सा घूमने के लिए निकल जाइए, 10-5 मिनट की वार्म अप एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो जिससे बॉडी आपकी एक्टिव कंडीशन में आ जाए। तो आज आपको ये चीज करनी चाहिए कि एक तो टारगेट फिक्स करना चाहिए कि मेरे को नर्सिंग ऑफिसर बनना ही है। दूसरा काम जो आपको करना चाहिए कि 5 या 5:30 बजे के बीच में आपको उठना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, पास में कोई गार्डन है तो वहां घूमने जा सकते हो, सब कुछ आपको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में कर लेना है और पढ़ने के लिए बैठ जाना है। क्या पढ़ना है उसके लिए आपने जो भी सेंटर से कोचिंग कर रहे हैं उसके नोट्स से शुरुआत कीजिए। बाकी कल हम इसका पार्ट 2 रिलीज करेंगे, उसमें आपको हम पूरी प्लानिंग देंगे कि 5 महीने के अंदर क्या क्या चीज स्टेप बाय स्टेप की जा सकती है। हर एक चीज पे बात की जाएगी कि कैसे आपको पीआर यादव के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, कैसे सॉन्डर्स के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, कैसे मोस्बी के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, और आपको जो भी दिक्कत आती है पढ़ने में प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो आप कमेंट करके बताइए कि कितने लोग मेरे साथ इस मुहिम में तैयार हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए 2021। आपके जितने कमेंट होंगे हमको और अच्छे वीडियोज, अच्छे आपके कंटेंट तैयार करने के लिए हेल्प करेंगे, आपका स्टडी का प्लान करने के लिए हेल्प करेंगे। जय हिंद, जय भारत।